गुमला जिले में अवैध खनन का कारोबार थम नहीं रहा है। प्रशासन भी गाहे बगाहे कुछ कार्रवाई कर अपना पल्ला झाड़ लेती है। वहीं सिर्फ बसिया प्रखंड क्षेत्र के फार सामा सड़क किनारे स्थित पहाड़ समेत क्षेत्र के कई पहाड़ों में पत्थर के अवैध खनन को लेकर राज्य की खुफिया एजेंसी विशेष शाखा ने जिले के SP और DC को पत्र लिखकर जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसी लेकर विशेष शाखा द्वारा जगह के साथ कारोबारियों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। सूची में फारसाम सड़क किनारे स्थित पहाड़ में बाना गुट्टू निवासी संजय साहू, सूरजपुर पहाड़ में राम साहू, लक्ष्मण साहू, दिलीप साहू, बसंती साहू और पगु सोनी समेत 10-15 लोग इसमें शामिल है। इसके साथ ही किंदिर खेला पहाड़ में शेषन खान, अकबुल खान, मुंतजिर खान समेत अन्य 10-15 लोग, वहीं तेतरा पहाड़ में भागीरथी साहू का नाम भी शामिल है। पत्र में वन विभाग के कर्मियों की संलिप्तता भी बताई गई है। इसकी सूचना आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची, पुलिस उप महानिदेशक दक्षिणी छोटा नागपुर और विशेष शाखा गुमला के उपाधीक्षक को भेजी गई है। बीते सप्ताह बसिया के 3 अवैध खनन कारोबारियों के खिलाफ खनन विभाग के कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई गई है। मामला खनन का रहता जरूर है, पर वन्य प्राणी क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे इस कारोबार को लेकर वन विभाग के अधिकारी और वन्य प्राणी क्षेत्र के अधिकारियों का मौन रहना इनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये पत्थर तो अभी 1,000 में, 8,000, 10,000 में बिकता है। इतियन पत्रा है। अच्छा। कौन क्षेत्र में पड़ता है ये? इधर ही क्षेत्र में जो खेत है, जमीन है, इतियन पत्रा में पड़ता है। तो इधर का में है, उसका तो यहाँ कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। उसका नाम है संजय साहू। क्या नाम? संजय साहू। ये मास्टर साहब का बेटा उटा है? हाँ हाँ। तो आप लोग और मजदूरी का मांग अधिक नहीं करते हैं? नहीं, लचारी में आ जाते हैं। हाँ, बुध दिन हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो नहीं कमाएंगे तो कहाँ से देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नेजवल हो रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।